यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहने वाली है अपनी ऑल्टो। अगर आगे की तरफ दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं DRL इंस्टॉल किया गया है इसके अंदर में, जो कि इस समय इंडिकेटर्स पे ऑन है। फिनिशिंग चेक कर लो, DRLs के बाद में अगर हम लोग साइड लुक की तरफ चलें तो आप लोग देख सकते हैं साइड बिडिंग्स इंस्टॉल करी है यहाँ पे, क्रोम में रहने वाली है, जो कि देख सकते हो। क्वालिटी चेक कर लो, अंदर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरिंग पड़ी हुई है अपनी, जो कि इंस्टॉल होगी। वहां पे आप लोग देख सकते हैं स्टेयरिंग कवर इंस्टॉल हो रहा है। बने रहिएगा वीडियो के अंदर, आपको सारी चीजें दिखाएंगे हम लोग। इसी के साथ अगर हम लोग साइड में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइड फोल्डिंग मिरर्स लगाए गए हैं, आप देख सकते हो। सेम बॉडी कलर में रहने वाले हैं। पीछे की तरफ चेक कर सकते हो, यहाँ पे बम्पर प्रोटेक्टर लगाया गया, जो कि ये भी क्रोम के अंदर है, दोनों साइड पे देख सकते हो। इसी के साथ में अंदर की साइड पे अब आप लोग देख सकते हो फ्लोरिंग इंस्टॉल हो रही है भाई, वेलक्रो लगा के अच्छे से फ्लोरिंग को चिपका रहे हैं। इसी के साथ में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लिप की बनी है हमारी, साथ ही साथ में सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल करी गई है हमारी ऑल्टो के अंदर। आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये आप लोग देख सकते हो, मैं लॉक प्रेस करूँगा, लॉक सारे बंद हो गए, अभी अनलॉक करूँगा तो सारे लॉक्स अनलॉक हो गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि स्टेयरिंग कवर अपना चढ़ चुका है, स्टिचेस देख लीजिए, ब्लैक कलर का अपना स्टेयरिंग कवर रहने वाला है, जिसके अंदर की रेड कलर की स्टिचिंग डाली है। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विंडो गार्निश लगाई गई है। और इसी के साथ में अपना सारा काम खत्म होता है ऑल्टो का,